बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कह देते, बेडशीट मैं चेंज कर देती। लाइए बाबूजी। अब मुझे आदत डाल लेनी चाहिए। तुम्हारी मासा साथ में होती तो ये नौबत नहीं आती। बाबूजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मासा को हुआ क्या है? आखिर सब क्या हो रहा है? बाबूजी, आप ये सब बातें सोचकर अपना मन खराब मत कीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है। आप जाइए, अम्मा साहब को बुला रही हैं। मुझे नहीं मिलना आपसे। मुझे पता है वो क्या बात करना चाहती है। बाबूजी, आप जाकर बात करिए ना। आप कब तक इस बात को अवॉइड करते रहेंगे? आप जाइए, अम्मा साहब को बुला रही हैं। देखो लवली, अब कुछ और मत कहना, नहीं नहीं सुन पाएंगे हम। का मतलब मासा में छोड़कर चली गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, लवली कहां थी तुम? तुम्हें पता है ना, कल संध्या का 16th बर्थडे। कितनी सारी तैयारियां करनी है। तैयारियां हो चुकी हैं कार्तिक। और वैसे भी वक्त ही कितना लगता है सैंडी की पार्टीज की तैयारी करने में। वैसे भी उसे घर की कोई चीज पसंद ही नहीं आती है। देखो लवली, कल संध्या का बर्थडे है, तुम फिर शुरू मत हो जा। तो क्या करूं, कैसे भुला दूं उस वक्त को जब हम बर्थडे पार्टीज पे सब एक साथ मिलकर खाना बनाते थे, खाना खाते थे, सब कितने खुश होते थे। पता नहीं कहां गया वो वक्त। लवली देखो, मैं अभी तुमसे ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करना चाहता। मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी। और ढेर सारी फोटोज भी खींचते थे, और सारी फोटोज हॉल में रखी होंगी। उन्हें देखकर मासा के बारे में पता चल पाएगा। हाँ, हॉल में जाती हूँ। हमारे एल्बम्स तो यही रखे रहते थे, कहाँ चले गए यहाँ से? मैं मासा का पता कैसे लगाऊं? लवली कहाँ चले गई है? मासा सब बदल गए, लेकिन समय का असर मासा पर हुआ ही नहीं। बिल्कुल पहले की तरह लगती है। मासा, आप कहाँ थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। लवली, हो क्या गया है तुम्हें? जब भी तुम हमें देखती हो, हमसे ऐसे मिलती हो जैसे बरसों बाद मिल रही हो। मासा, वो मैं कोई तो मुझे देख नहीं पा रहा है, लेकिन मासा मुझे देख रही है। इसका मतलब मैं लवली, इतनी हैरान क्यों हो? अरे भाई, हमारे कान और आंखें अभी तक सलामत हैं। हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और अच्छे से समझ भी रहे हैं। इस घर में रहते हुए भी पता नहीं किस दुनिया में गायब रहती हो तुम। तभी तो जितना भी पुकारो सुनाई नहीं देता तुम्हें। सॉरी मासा, वो मैं बस अब हमें सफाई मत दो।
तुम्हारे साथ माथा पच्ची करने का समय नहीं है हमारे पास। अब खड़ी क्या हो, जाओ रसोई में जाकर कहना बहू की मदद करो। जी मासा, मासा मैंने आपकी हर बात सुनी है और आगे भी सुनूंगी आपकी हर बात। लो ये भी कोई कहने की बात है, हम तो अभी तक अम्मा सा का कहना मानते हैं। पता नहीं किस बात पर इतनी हैरान परेशान रहती है लड़की। काश मैं अपनी परेशानी के बारे में आपको बता सकती मासा, उन्हें कैसे बताऊंगी उनके बिना घर कितना सोना हो जाएगा। मासा आप मुझे भविष्य में नजर क्यों नहीं आ रही है, आप आखिर जाने कहां वाली है। देखो ये आटा हमने गूंद दिया है और सब्जियां भी बना दी हैं। सिर्फ दाल को छौंक लगाना है और रोटियां सेकनी है। रिया तुम रायता बना लेना, बच्चों को अच्छा लगेगा। भाभी आप टेंशन मत लो, आप जाओ मैं रायता बना लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रिया, और देखो आते समय हमें देरी हो जाए तो चिंता मत करना। ओके भाभी। भाभी आप कहाँ जा रही थी जल्दबाजी में? अरे कहा था ना तुम्हें, गुरु माँ आई हुई है उन्हीं के पास जा रहे हैं। लेकिन भाभी आप वहाँ पे क्या करेंगे पूरा दिन? हमारा बस चले तो पूरा जीवन उनकी चरणों में उनकी सेवा में गुजार दे। सेवा से याद आया, शहद शहद लेना तो भूल ही गए हम। ओहो इतनी जल्दबाजी में ये शहद, शहद हो गया, पानी नारियल पानी, आज वो गुरु माँ की पद पूजा है ना इसीलिए। पद पूजा? गुरु माता के चरण पहले हम पानी से धोएंगे, फिर दही से, फिर दूध से, फिर केसर के पानी से, और उसके बाद शहद से। पता है बहुत किस्मत वालों को गुरु माता की पद पूजा करने का अवसर मिलता है, हम कितने भाग्यशाली हैं। तुम सब लोगों के लिए भी गुरु माता का चरणामृत हम ले आएंगे, पर अभी बहुत देर हो रही है हमें जाना पड़ेगा। जो मैंने भविष्य में देखा वो सब कुछ सच होता नजर आ रहा है। अगर भाभी ने अपनी पूरी जिंदगी सत्संग के चक्कर काटने में बिता दी तो भैया का क्या होगा? ये गुरु माता है कौन, मुझे पता करना पड़ेगा। ये लो। अरे बस बस भी, सब मुझे ही दे दोगी, तुम क्या खाओगी? हो जाएगा मेरा भी, तुम्हें तो पता ही है ना आजकल मैं कम खा रही हूँ। ये तुम और तुम्हारी डाइटिंग। लवली जो दाल में तुमने छोंक लगाया ना मजा आ गया, वरना इतना सिंपल खाना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। हाँ हाँ मुझ बुढ़िया को बेस्वाद उबली हुई सब्जियां परोस कर खुद पकवान के मजे लूटो। हाँ। अरे अम्मा सा ये उबला हुआ खाना नहीं है, इसमें तो छौंक हमने खुद अपने हाथों से लगाया है। और फिर आप चिंता क्यों कर रही हैं, हम और सा आपका साथ दे रहे हैं ना इसे खाने में। अरे बिंदड़ी मैं तो मजाक कर रही थी। अरे अनु बेटा तुम आ गए? हाँ दादी, साथ खेलने में बहुत मजा आया। चलो अनु अब फटाफट मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठ, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। जी मम्मा। अब अनु इतना बड़ा हो गया कि उसे मेरी जरूरत नहीं। इसमें अनु की कोई गलती नहीं है, सब मासा की गलती है। जी वाह, मुझे बाईगढ़ की कसम, अजीब बिट्टू जी को ना एक बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ बताओ क्या आइडिया है। अजीब भैंसा बाईगढ़ की कसम, जैसे लोग पानी को बोतलों में डाल के बेचते हैं ना, वैसे हम लोग ना ऑक्सीजन को अजीब बोतलों में भर भर के बेचेंगे। और वैसे भी ऑक्सीजन के बिजनेस में थोड़ा मुनाफा कम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ पुण्य तो बड़ा ही मिलता है ना। हमें पता ही था इतना शानदार आइडिया, वो भी बिट्टू के दिमाग से, कमाल। लेकिन ये आइडिया अच्छा नहीं है, काम नहीं करेगा। और जी बाईगढ़ की कसम एक दिन देख लेना, और जी मैं यही बिजनेस करूंगा, और जी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा मैं। बिट्टू भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
आगे जाके ना आपको काम में बहुत प्रॉफिट होगा। हाँ अच्छा लवली, तो ये तुम्हारी आज की भविष्यवाणी है। वैसे मासा, लवली ना आजकल एक नया बिजनेस शुरू करने वाली, ये भविष्यवाणी करती। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये बिजनेस में भी बहुत प्रॉफिट कमाएगी। टेंशन मत लो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है वाली। ये हंसने की बात नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने अपने इस खूबसूरत परिवार का कितना बदसूरत भविष्य अपनी आंखों से देखा है, जहां मासा के बिना सब कुछ बिखरा हुआ और उजड़ा होगा। जब तक मुझे मासा का भविष्य पता नहीं चल जाता, मैं चैन से नहीं सो सकती। मुझे वापस ही उस दुनिया में जाना पड़ेगा। मासा की आवाज है, वो रो क्यों रही है? मासा, लवली, मासा आपको क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही है? लवली तू तू हमें बचा ले, हमसे और बर्दाश्त नहीं होता, मर जाएंगे। लवली हमको यहां से ले जाओ। ये कैसा सपना था? मासा के बारे में मुझे ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं? ये किस बात का सिग्नल है? हे भगवान, ऐसा क्या छुपा है मासा के भविष्य में जो मुझे नजर नहीं आ रहा? ऐसा क्या होने वाला है मासा के साथ? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे इसे पता लगाना ही पड़ेगा, और इसके लिए मुझे भविष्य में जाना पड़ेगा और मासा को ढूंढना पड़ेगा, तभी मासा को मैं इस आने वाली मुश्किल से बचा पाऊंगी। आज कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे मासा का पता लगाना ही पड़ेगा। याद आया, आज संध्या का बर्थडे है, मासा वहां जरूर आएगी उसे आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ऐसा मासा ने क्या कर दिया है जो सब उनसे इतने नाराज है। कार्तिक क्या करो, छोड़ो मुझे। अरे क्यों छोड़ो, पति हूं मैं तुम्हारा, और वैसे भी पत्नी कोई छोड़ने की चीज थोड़ी ना। वो तुम अचानक से आए ना, इसलिए मैं डर गई थी। ऐसे कौन से ख्यालों में खोई हुई थी जो मुझसे डर गई? लवली वैसे ये संध्या कौन है? संध्या कौन है वो तो तुम बताओगी ना।
तुम्हें पता है कल नींद में तुम उसका नाम बड़बड़ा रही थी। कार्तिक, संध्या कौन है मैं नहीं जानती। अच्छा, शायद मैंने गलत सुना होगा, लेकिन लवली संध्या नाम बहुत अच्छा है। जब हमारी बेटी होगी ना तो हम उसका नाम संध्या रखेंगे। ओके लवली, यहाँ आना ज़्यादा। अब आई भाभी। अरे आई क्या, बाद में जाना। कार्तिक भाभी बुला रही, मैं भी आ रही। लवली तू दाल बना दे फटाफट, भाभी आप सब्जी की तैयारी कर लीजिए और मैं बेसन के पराठे बना देती हूँ। आज एक बार मासा को अपनी आंखों से देख लूं तो तसल्ली हो जाए। भाभी सॉरी, मैंने देखा नहीं। भाभी आप दाल देखिए ना, मैं बस अभी आती हूँ, प्लीज। लवली, ये लवली को क्या हो गया? पता नहीं। अभी तक सजावट नहीं खत्म हुई? टाइम पता है क्या हो गया है? मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। कब तक करेंगे काम? जल्दी करो। करंटिया भाभी, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? ये लोग इंसान नहीं है। आपके डांटने का ना इन पे कोई असर नहीं होगा। इन्हें का काम करने दीजिए, आप चलिए। अरे लवली, लेकिन कितना काम पेंडिंग है, देखो तो। सब काम कर लेंगे वो लोग। रॉबी, चॉकलेट। ओके। चॉकलेट। चॉकलेट बहुत मीठी है। आई वॉन्ट पॉपकॉर्न। ये सिर्फ तुम्हारे लिए। ये किस लिए? तुम स्पेशल हो इसीलिए तुम्हारे बर्थडे पे ये स्पेशल फूल। ओह रियली, हाउ स्वीट। थैंक यू। संध्या, संध्या बेटा, तुमने मेरे ड्रॉवर से 10 लाख रुपए निकाले? नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? पॉप्स आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपसे बिना पूछे पैसे निकालूंगी? अरे मेरी प्रिंसेस, नाराज हो गई? कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा सरप्राइज है कि जिसे देखकर तुम्हारा गुस्सा छू हो जाए। Now, come on, give me a hug. अरे मेरा प्रिंसेस, नाराज नहीं होते क्या? Happy birthday, बेटा। ये और इनकी पार्टी। Hey, hi, what's up? You know, thank God you called. अच्छा, listen,
आज रात का प्लान ना ऑन है। इट्स माई ट्रीट। मैंने ना पॉप्स के ढोर में से 10 लाख रुपए चुरा लिए हैं। तो डोंट वरी, तो सी यू टुनाइट, बाय। हे भगवान, ये तो मुझसे भी बड़ी झूठी है और एक नंबर की चोटी भी। कितनी आसानी से इसने कार्तिक को बेवकूफ बना लिया। इसे ना मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये। आशिकी आज बहू में।